भाई लॉस सैंटोस और बारिश का बहुत ही पुराना रिश्ता है भाई। जब भी गाड़ी लेकर निकलो घर से बारिश शुरू हो जाती है। अब जैसे यही वाली गाड़ी जब मैं लेकर निकला था भाई अपने घर से, बहुत ही ज्यादा इस पे धूल वगैरह जमी पड़ी थी, तो मैंने सोचा यार कार वॉश से जरा धुलवा के ले आते हैं। जैसे ही धुलवा के निकला बारिश शुरू हो गई भाई, मेरे बेफालतू में $20 वेस्ट हो गए भाई। इससे बढ़िया तो मैं बारिश के अंदर ही 2 मिनट खड़ी कर देता, गाड़ी अपने आप ही धुल जाती। खैर जो भी हो, चलते हैं फटाफट से घर पे, लेट्स गो। वैसे चमकने लग गई है भाई गाड़ी के अंदर, अगर उसको साफ कर दो या फिर मस्त रिपेयर करवा दो तो वो बिल्कुल ठीक ठाक नई नवेली लगने लग जाती है, जैसे कि अपनी ये वाली गाड़ी। बाकी चलते हैं फटाफट से, लेट्स गो गाइस घर पे। वैसे शिनचैन और पिंचन का मुझे फोन आया था जब मैं यार वो गाड़ी रिपेयर करवा रहा था, रिपेयर क्या मतलब गाड़ी धुलवा रहा था। वो लोग कह रहे थे कि जल्दी आ जाओ, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है, इसीलिए मैं आ गया भाई थोड़ा जल्दी। क्या इम्पोर्टेंट काम होगा, आई हैव नो आइडिया भाई। ज़रा चलते हैं अंदर, लेट्स गो। क्या इम्पोर्टेंट काम हो सकता है इन लोगों को, चलो अभी पता चल जाएगा कुछ ही देर में। हेलो भाई शिनचैन, शिनचैन क्या इम्पोर्टेंट काम है? अरे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम है यार। क्या इम्पोर्टेंट काम है बताओ ना। अरे तुम भूल गए हम लोग कैसे फ्लैशेस की रेस करते थे? फ्लैश की रेस? हाँ हाँ हाँ, बहुत महीनों पहले हम लोगों ने फ्लैशेस की रेस की थी, फिर हम लोगों ने हमारी भी तो रेस की थी उनसे पावर सुधार लेके। अरे बिल्कुल यार, आज टाइम है किसी और की रेस करवाने का। अच्छा किसकी किसकी रेस करवाया बताओ भाई। अरे हम लोगों ने बुला लिया यार उनको जिनकी रेस करवानी है। हाँ भाई कलुआ, बस तू रेस की तैयारी कर दे फटाफट। क्या बात कर रहा है? अरे हाँ यार बिल्कुल। कौन है वो? जरा पीछे जाकर देखो ना। पीछे जाकर देखूं भाई? ओ भाई ये तो, अबे ये तो स्पीकर मैन लग रहा है। अरे बिल्कुल वो है स्पीकर मैन। ओ तेरी भाई, हेलो हेलो भाई स्पीकर मैन, हेलो भाई, ओए हेलो भाई स्पीकर मैन। हेलो मैं हूँ स्पीकर मैन। ओके ओके, कैसे हाल चाल भाई तेरे? बढ़िया एकदम। और भाई साहब क्या बॉडी है इसकी, और इसकी मुंडी देखो भाई, इतना बड़ा स्पीकर, जरा स्पीकर चलाएगा तू? अरे रहन दो यार, ये गलती मत करना। क्यों? ता भाई साहब कलुआ, उसके जो स्पीकर के अंदर वूफर है ना भाई, हमारा घर उड़ जाएगा उससे। अच्छा, अरे हाँ यार ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करना उससे स्पीकर चलाने की। अच्छा, अरे स्पीकर ही तो उसकी पावर है। सॉरी भाई, सॉरी स्पीकर मैन। और बढ़िया एकदम हाल चाल? एकदम बढ़िया, तुम बताओ? मेरे भी बढ़िया है, लेकिन भाई ये तो इकलौता है भाई, अकेला ये किससे रेस करेगा हमसे? अरे नहीं नहीं जरा अपने राइट में जाके देखो। मेरे राइट में? अबे वो कौन है? जाके देखो तो सही। ये तो कैमरा मैन है भाई। हेलो भाई कैमरा मैन। और बताओ कैसे हाल चाल फ्रैंकलिन? बढ़िया हाल चाल, सूट वूट बदल दिया तूने है, ब्लू कलर का सूट बढ़िया लग रहा है। हेलो भाई, और रेस करेगा तू उसके अगेंस्ट, स्पीकर मैन के अगेंस्ट? बिल्कुल यार, इजली हरा दूंगा, बाएं हाथ का खेल है मेरे। ऐसा तुम्हें लगता है, वरना इस रेस को तो मैं ही जीतूंगा। अच्छा देख लेंगे वो तो। अबे पहले रेस के लिए तैयारियां तो करने दो। तो इन शॉर्ट इन दोनों की रेस होने वाली है आज गाइस, स्पीकर मैन और साथ ही साथ हमारे कैमरा मैन की, ठीक है? अरे यार एक और है। एक और है? कौन है? एक और एवेंजर्स में से कोई है क्या? नहीं नहीं टीवी मैन भी है। तो टीवी मैन कहाँ है? अरे वो हमारी छत पे है। क्या बकवास कर रहा भाई चौप तू? ओ सॉरी शिनचैन तू? अरे बिल्कुल जाओ जाओ छत पे जाकर देखो तो सही। क्या भाई साहब कल बहुत तगड़ी रेस होने वाली, हल्के में मतलब हमारी रेस को आज। अच्छा भाई, ओ यस गाइस, यहाँ पर तुम लोग लिटरली में देख सकते हो भाई टीवी मैन है। हेलो भाई टीवी मैन। ओ तेरी भाई क्या बात है, आज सबसे मिल गया मैं, अपना स्पीकर मैन भी है नीचे, इधर कैमरा मैन भी है, इधर टीवी मैन भी है। हेलो भाई टीवी मैन। हेलो हेलो, क्या देखना है तुम्हें? अच्छा तेरे टीवी पे कुछ भी दिखा सकता हूँ मैं? नहीं नहीं अभी फिलहाल कुछ नहीं देखना, अभी तो तुम तीनों की रेस देखनी है। ओके, रेस के लिए इंटरेस्टेड हो? बिल्कुल भाई, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ यार, मज़ा आएगा सच में, बहुत ज़्यादा यूनिक रेस होने वाली है। एक तरफ बॉडी बिल्डर स्पीकर मैन भारी भरकम, दूसरी तरफ हमारा कैमरा मैन एकदम सुपर फास्ट, और तीसरी तरफ अपना टीवी मैन जो कि अलग ही लेवल का होने वाला है। स्पीकर मैन रेडी है तू? बिल्कुल रेडी हूँ मैं। कैमरामैन तू रेडी है भाई? बिल्कुल, मैं तो हमेशा सही तैयार रहता हूँ यार फ्रैंकलिन। और टीवी मैन भाई तू रेडी है क्या? मैं तो बिल्कुल रेडी हूँ। ओके, अबे तुम लोग एक काम करो ना, एक ही जगह पे आ जाओ, क्या तीनों अलग अलग जगह फैले पड़े हो, एक ही जगह पे आ जाओ सारे के सारे। तो यहाँ पर तीनों के तीनों एक ही जगह पर ऑलरेडी आ चुके हैं, सो मिलो गाइस तुम लोग भी स्पीकर मैन टीवी मैन और कैमरा मैन से। तो
तो मैं जरा रेस की तैयारियां करके आता हूँ अभी के अभी 2 मिनट में, और फिर तुम लोगों को मैं सब कुछ बताता हूँ, ठीक है? अरे ठीक है यार, जल्दी करना लेकिन रेस की तैयारी। ठीक है ठीक है, मिलता हूँ मैं तुम लोगों से गाइस कुछ ही देर के बाद। बट उससे पहले तुम लोग वीडियो को जाकर लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो अभी तक नहीं किया है तो। भाई काफी ज्यादा दिनों के बाद हम लोग बहुत ही तगड़ी वाली रेस कर रहे हैं, इसके लिए लाइक तो बनता है यार। अभी के अभी जाओ वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। लेट्स गो, चलते हैं ट्रैक बनाने के लिए जिसपे रेस होगी और स्टार्टिंग लाइन और फिनिश लाइन के लिए। लेट्स गो। तो ये है गाइस हमारी स्टार्टिंग लाइन, कैसी लगी तुम लोग? बढ़िया है ना भाई एकदम। यहाँ से जो रेस है वो स्टार्ट हो रही है, ठीक है? यहाँ से देख लो भाई, काफ़ी बढ़िया जगह पर है और यहाँ से इस रेस को स्टार्ट किया जाने वाला है। और ये जो हाईवे बहुत ही ज़्यादा लंबा है, आज की रेस अभी तक की सबसे एपिक रेस होने वाली है, क्योंकि भाई तीन लेजेंड्स भिड़ने वाले हैं, अपना कैमरा मैन, स्पीकर मैन और साथ ही साथ टीवी मैन, तो उनके लिए रेस तो तगड़ी बनानी पड़ेगी। तो ये स्टार्टिंग लाइन, यहाँ से रेस शुरू होगी और फुल स्पीड में इन लोगों को इस वाले ट्रैक पर, ये जो रोड देख रहे हो तुम लोग, इस पर दौड़ना होगा। और फिर मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ फिनिश लाइन एक्चुअली में कहाँ है। चलो ड्रोन से दिखाता हूँ मैं डायरेक्ट। तो ये है स्टार्टिंग लाइन और यहाँ से रेस शुरू होके भाई फुल स्पीड में इधर से आगे बढ़ते जा रहे हैं इन तीनों को। और फिर इस ब्रिज के नीचे से निकलना है, उसके आगे बढ़ते जाना है, इस वाले ट्रैक को फॉलो करना है जो हमारे राइट साइड में है। और फिर आगे बढ़ते 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 आगे जाते जाते, बहुत ही लंबा ट्रैक है। और यहाँ से फिर इस पे भी जा सकते हैं, इस पे भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और फिर उसके बाद फाइनली ये रही हमारी एकदम एपिक वाली फिनिश लाइन। तो देख सकते हो भाई काफ़ी ज़्यादा तगड़ी रेस होने वाली है। और रेस फिनिश तब होगी गाइस जब कंटेस्टेंट भाई जो रेस कर रहा होगा इस वाले फिनिश लाइन के नीचे से निकलेगा, तब जाके रेस एंड होगी। मान लो कोई बंदा आया फुल स्पीड में दौड़ते हुए और यहाँ से निकल गया, तो रेस ख़त्म नहीं होगी भाई, उसे यहाँ से निकलना पड़ेगा बाकायदा, तब जाके रेस एंड होगी। तो आई होप तुम लोग समझ गए होगे। चलो मैं भी अपनी गाड़ी को लेकर फाइनली फिनिश लाइन पे पहुंच ही गया। तो आई होप गाइस तुम लोग समझ गए होगे। वैसे एक चीज़ सही हुई है, बारिश बंद हो गई है, लेकिन एक चीज़ अभी भी गलत है यार, ट्रैफिक। इतने ट्रैफिक में रेस कैसे होगी? अभी लॉस सैंटोस के प्रेसिडेंट को कॉल करके ट्रैफिक बंद करवाता हूँ मैं, रुको। लॉस सैंटोस के प्रेसिडेंट को मैंने कॉल तो कर दिया है और उन्होंने ट्रैफिक रुकवा भी दिया है। वो कह रहे हैं कि अभी तुम्हारे आजू बाजू जितनी गाड़ियाँ हैं बस उन्हें जाने दो, इसके बाद और कोई गाड़ी नहीं आएगी। और जैसा कि तुम लोग देख पा रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हैं प्रेसिडेंट भाई लॉस सैंटोस के। देख सकते हो यार कोई गाड़ी नहीं अब सड़कों पे, वही 2-4 गाड़ियाँ थी जो थी। ओके, तो इस तरीके से फाइनली रेस ट्रैक पूरा एकदम रेडी हो चुका है और देखते हैं अब इस ओपी सी खतरनाक सी बेहतरीन सी रेस को कौन जीतता है, स्पीकर मैन, कैमरा मैन या फिर टीवी मैन। तुम लोग अपने गैसेस कमेंट में जाकर बता सकते हो। यस गाइस अभी के अभी जाओ और कमेंट में बताओ कौन इस रेस को जीतने वाला है। बाकी चलते हैं खतरनाक वाली ओपी वाली रेस के लिए। तो वापस आ चुके हैं हम लोग फाइनली अपने घर की तरफ। तो सबसे पहले कौन जाएगा इन तीनों में? एक काम करते हैं, किसको भेजें यार? नहीं, इन्हीं से पूछ लेते हैं किसको जाना है सबसे पहले। शिनचैन बिंजन, क्या तुम लोगों ने डिसाइड किया भाई तीनों में से सबसे पहले कौन जाएगा? अरे बिल्कुल यार, हम लोगों ने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है। कौन जाएगा सबसे पहले? अरे तीनों जिस हिसाब से खड़े हैं उस हिसाब से तीनों के तीनों जाएंगे यार। अच्छा, तो मतलब सबसे पहले कैमरामैन? अरे बिल्कुल। ओके, उसके बाद ये अपना टीवी मैन? अरे हाँ। और उसके बाद अपना स्पीकर मैन? ठीक है। तो कैमरामैन भाई तू रेडी है? बिल्कुल रेडी हूँ मैं। तो जा भाई फिर निकल यहाँ से, मतलब रेस के लिए तैयार हो जा, जा स्टार्टिंग लाइन पे जा, हम लोग यहाँ से देखेंगे ड्रोन से तुझे। तो कैमरामैन है अपना आज का पहला कंटेस्टेंट, जा भाई थोड़ी अपनी पावर वावर यूज़ कर। अभी क्यों यूज़ करूँ मैं, रेस के लिए बचा के रखूँगा अपनी पावर को। ओके बढ़िया है भाई, पूरे जोश में जा रही है। तो देखो गाइस यहाँ पर जो कैमरामैन है वो पहुँच चुका है और रेस का जो टाइमर है गाइस तुम लोगों का यहाँ पर ऊपर की साइड टॉप राइट कॉर्नर में दिख जाएगा। जैसी रेस स्टार्ट होगी वहाँ पर टाइमर स्टार्ट हो जाएगा, तो वहाँ पर तुम लोग नोटिस कर सकते हो भाई कि किसने कितना ज़्यादा टाइम लिया। बाकी कैमरामैन अपनी पावर्स को तो एक्टिवेट कर सकता है, तो यहाँ पर भाई एक्टिवेट कर लिया अपने कैमरामैन ने अपनी सुपर पावर्स को और रेडी हैं सब लोग। तो 3 रेडी हो जा भाई कैमरामैन, 2-1 गो। तो इसी के साथ गाइस यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तेज स्पीड में भाई कैमरामैन दौड़ चुका है, लिटरली में भाई बहुत ही तेज जा रहा है ये तो। और देखना ये होगा कि ये कितनी आगे तक पहुँच पाता है, काफ़ी अच्छी स्पीड है।
ओके नाइस। ऊपर की साइड तुम लोग टाइमर क्लियरली देख सकते हो गाइस। ओके तो ये बीच वाले रास्ते से जाने वाला है, फिनिश लाइन के काफी ज्यादा क्लोज, काफी जल्दी पहुंच गया भाई ये तो। और इसी के साथ फिनिश लाइन क्रॉस्ड। भाई साहब क्या एपिक गया यार ये कैमरामैन भाई, तू क्या है भाई? देखा मेरी पावर्स भाई, लिटरली मैं तेरी पावर्स से सबसे फास्ट। लेकिन नहीं भाई, अभी कैसे फास्ट कह सकते हैं इसे, अभी हम लोगों ने स्पीकर मैन की रेस कहाँ देखी है और अभी हम लोगों ने टीवी मैन की स्पीड कहाँ देखी है। बट फिर भी गाइस जिस हिसाब से ये दौड़ा भाई, लिटरली में बहुत ही एपिक स्पीड थी इसकी। क्या दौड़ा भाई तू कैमरा मैन यार, वाह मज़ा आ गया देख के तेरी स्पीड को। तो आ जा भाई कैमरा मैन, वापस आ जा अभी तू फटाफट से, क्योंकि अभी नेक्स्ट बारी है भाई हमारे प्यारे टीवी मैन की। और देखना ये है क्या टीवी मैन कैमरा मैन को हरा सकता है या फिर नहीं। और देखने वाली बात तो ये होगी भाई, स्पीकर मैन हरा पाएगा कि नहीं कैमरा मैन को। बहुत इंटरेस्टिंग चैलेंज है ये। आ जा भाई कैमरा मैन, वापस आ जा तू घर पे, आ जा वापस। वेलकम वेलकम कैमरा मैन, वेलकम। क्या तूने एकदम तबाही परफॉर्मेंस दी है, और इस परफॉर्मेंस के बाद तो काफ़ी टफ चैलेंज लग रहा है इन दोनों के लिए। बाकी टीवी मैन की स्पीड देखने वाली बात होगी गाइस कैसी रहती है। वैसे जिस हिसाब से उसका टीवी है, देखो कैमरा तो एकदम परफेक्ट है, आज के ज़माने में ऐसे ही कैमरा वगैरह चलते हैं मूवीज़ वगैरह में। फिर वो देखो उसका स्पीकर देखो, अपने स्पीकर मैन का, उसका भी स्पीकर बिल्कुल परफेक्ट है, आज के ज़माने लायक है। लेकिन टीवी मैन का टीवी थोड़ा पुराने ज़माने का है, थोड़ा स्लो टीवी है, तो मे बी इसकी स्पीड भी स्लो हो सकती है भाई, कुछ कहा नहीं जा सकता अभी फ़िलहाल। देखते हैं टीवी मैन रेडी है भाई तू? बिल्कुल रेडी हूँ मैं। तो चल फिर जा भाई दौड़ के। मैं क्यों दौड़ के जाऊँ जब ये कैमरा मैन नहीं गया दौड़ के? तो ठीक है मत जा दौड़ के, जैसे मर्जी वैसे दौड़ के जा तू। ओके गाइस अभी फिलहाल नेक्स्ट कंटेस्टेंट की बारी आ चुकी है, और वो नेक्स्ट कंटेस्टेंट और कोई नहीं, वो है अपना प्यारा सा टीवी मैन। चल चल जल्दी से स्टार्टिंग लाइन पे पहुंच। जब तक ये स्टार्टिंग लाइन पे पहुंच रहा है गाइस, तब तक तुम लोग जाकर यार इस वाली वीडियो को लाइक कर दो और इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो कर लो यार। यस अभी के अभी जाओ इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो हमारा टीवी मैन पहुंच चुका है स्टार्टिंग लाइन पर और काफी ज्यादा तेजी के साथ दौड़ना भी शुरू कर चुका है। ओ भाई कहाँ जा रहे तू? अरे दौड़ रहा हूँ यार। अबे रेस शुरू नहीं हुई है भाई। क्या? अबे हाँ जब मैं स्टार्ट बोलूंगा तब रेस शुरू होगी। अच्छा ठीक है। अबे ये तो अलग ही बंदा निकला भाई, सीधे दौड़ने ही लग गया, स्टार्टिंग लाइन देखी नहीं कि उसके नीचे से फटाफट से निकल के भागने लग गया ये। खैर जो भी हो, तो अभी रेडी हो जाओ गाइस तुम लोग टीवी मैन की स्पीड देखने के लिए। टीवी मैन रेडी अब तू? बिल्कुल। ओके लेट्स गो, ये रही स्टार्टिंग लाइन, 3 2 1 लेट्स गो। तो यहाँ पर भाई टीवी मैन काफी ज्यादा तेजी के साथ दौड़ चुका है, और देखने वाली बात यह होगी कि क्या ये कैमरा मैन को बीट कर पाएगा या फिर नहीं। वैसे मैं अगर सच सच बताऊं तो मेरे को इसकी स्पीड थोड़ी सी ज्यादा क्यों लग रही है यार कैमरा मैन से। यस मेरे को तो लग रहा भाई कैमरा मैन को बीट कर गया ये। यस ओके फिनिश हो चुकी है रेस। भाई साहब कैमरा मैन से तेज दौड़ा क्या ये? मेरे को तो यही लगा भाई। वैसे तुम लोग ऊपर कॉर्नर में स्पीड देख सकते हो और डेफिनेटली लग रहा है भाई ये तो कैमरा मैन से तेज दौड़ गया। मेरे को कैमरा मैन का टाइमिंग याद नहीं है, तुम लोगों को पता चल गया होगा भाई ये कैमरा मैन से तेज दौड़ा है कि नहीं। बाकी अभी बारी है हमारे प्यारे स्पीकर मैन की, तो देखना है कि स्पीकर मैन इन सबको बीट कर पाएगा स्पीड में या फिर नहीं। बाकी टीवी मैन के पास भाई उड़ने वाली भी पावर है, ये सही हिसाब किताब है यार, क्या बात है उड़ने वाली भी। खैर जो भी हो, आ जा भाई टीवी मैन वापस आ जा घर पे। अरे ये तो बताओ जीता कि नहीं मैं? अबे वो तो तीनों रेसेस हो जाएंगी तब पता चलेगा। अरे मेरे को अभी विनर बना दो यार, मैं ही जीत गया। और चल बे चल चल पहले घर आ वापस। ठीक है आ जल्दी। ठीक है आ रहा हूँ। आ जा भाई टीवी मैन कहाँ रह गया? अरे यार थक गया हूँ मैं। हैं इतनी जल्दी? अबे यार बिल्कुल ही, तू तो अलग ही लेवल का है भाई। आजा भाई हमारे थके हुए टीवी मैन, वेलकम टू द हाउस। कैमरा मैन डर लग रहा है थोड़ा? लग तो रहा है कि इस टीवी मैन ने मेरे को हरा दिया, लेकिन फिर भी देखते हैं अभी स्पीकर मैन का, कम से कम सेकंड तो आ ही जाऊंगा मैं। तो ये बारी है गाइस हमारे स्पीकर मैन की, अभी देखना ये है कि क्या स्पीकर मैन इन सबको हरा पाएगा या फिर नहीं। कितना बड़ा स्पीकर है यार इसके सर पे, लिटरली में बहुत ही ज़्यादा अजीब लगता होगा भाई इसे तो। खैर जो भी हो, स्पीकर मैन भाई जा फटाफट से दौड़ के। और अब भाई सब कैसे दौड़ रहा है ये, दो आंखों की बजाय इसके दो ऐसे गोले गोले से हैं स्पीकर के अंदर।
अलग ही है भाई, ये स्पीकर मैन थोड़ा सा अलग है, देखने से पता नहीं हल्क जैसा क्यों लग रहा है। बॉडी तो इसकी हल्क जैसी है, जहाँ तक मेरे को याद है हल्क थोड़ा सा स्लो है। देखते हैं स्पीकर मैन हमारा स्लो है या फिर फास्ट है। नहीं नहीं, हल्क स्लो कहाँ है यार, उसके पास भी तेज दौड़ने वाली पावर्स हैं, बल्कि वो तो मस्त एकदम ऊँची ऊँची जंप भी लगा सकता है। पता नहीं भाई इसके पास क्या क्या पावर्स है, लेट्स सी। और अभी तक हम लोगों ने जो दोनों की जंप देखी है भाई, जंप नहीं यार स्पीड, एक तो अपना कैमरामैन गया सबसे पहले, उसके जो पीछे की तरफ रेशे निकल रहे थे गाइज, जो कलर था उसका वो था ऑरेंज, और फिर अपना बाद में अभी ये गया टीवी मैन, इसके जो रेशे थे उनका कलर था ब्लू। अभी देखते हैं ये जो अपना स्पीकर मैन जा रहा है इसका क्या कलर होता है, लेट्स गो। ओके, तो हमारा भाई स्पीकर मैन पहुंच चुका है। और भाई तेरी यही स्पीड है? नहीं, ये तो मैं बस तुम लोगों को दिखा रहा हूँ, मेरी एक्चुअल स्पीड तो बहुत तगड़ी है। अच्छा फिर ठीक है, तो गाइस स्पीकर मैन है ये, रेडी है, एक्चुअल स्पीड पता नहीं कैसी होगी। तो स्पीकर मैन भाई तू रेडी है? कितनी बार बोलूं, रेडी हूँ मैं। ओके लेट्स गो। वैसे इसके रेशे का कलर ग्रीन है। 3, 2, 1 स्टार्ट। तो यहाँ पर गाइस हमारा स्पीकर मैन क्या कर रहा है? हेलो हेलो, क्या कर रहा भाई तू? अरे रेस शुरू हो गई है। तो दौड़ी तो रहा हूँ मैं। अच्छा पक्का? और क्या दिख रहा है तुम्हें? ठीक है फिर दौड़ भाई बिंदास। तो टॉप राइट कॉर्नर में तुम लोग टाइमर देख सकते हो गाइस, जो कि काफ़ी कमाल का है टाइमर, काफ़ी तेज़ी के साथ टाइमर जा रहा है, और काफ़ी तेज़ी के साथ भाई अपना स्पीकर मैन भी जा रहा है। काफ़ी ज़्यादा अच्छी उम्मीदें लगाई थी मैंने इससे, और बिल्कुल उम्मीदों पर एकदम खरा उतरा है स्पीकर मैन। वाह, अभी तक ब्रिज को भी क्रॉस नहीं कर पाया है ये। क्या तुम लोग ऐसा लगा था गैस कि स्पीकर मैन इतना स्लो होगा? अरे भाई क्या करेगा तू, कल पहुंचेगा, अगले जन्म में पहुंचेगा। हेलो भाई, मैं फोकस्ड हूँ, डोंट डिस्टर्ब मी। अच्छा ठीक है भाई, नहीं करेंगे डिस्टर्ब, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट फिर भी फोकस्ड है तो इसकी ये स्पीड है, अगर फोकस्ड नहीं होता तो कितनी होती भाई इसकी स्पीड। ओके अभी टाइमर काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ जा रहा है, तो पता नहीं कितना ज़्यादा टाइम लेगा ये यार, सच में इस जन्म में पहुँचेगा कि अगले जन्म में। हेलो भाई, ओ हेलो, अरे सुन ले भाई, वीडियो 10 घंटे की हो गई है, चल ले जल्दी पहुँच। अरे नहीं पहुंच रहा भाई, ये तो रेस ही नहीं ख़त्म करेगा आज लगता है। अरे भाई ठीक है, तू भाई हार गया, चल हार गया, रेस छोड़ दे यार, ये भी अजीब ज़िद्दी है, रेस को ख़त्म करके ही मानेगा भाई, इतना स्लो तो भाई इससे ज़्यादा तेज़ तो लिटरली मैं दौड़ सकता हूँ, नहीं इतना तेज़ कि दौड़ सकता हूँ भाई, सच में मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है मैं इससे तेज़ दौड़ लूँगा, नहीं इतना तेज़ तो नहीं, बट फिर भी गाइस अगर मान लो ये 3-4 मिनट लेता है तो मैं 5 मिनट में कर दूँगा इस रेस को। अबे यार कितना स्लो है, अभी तक फिनिश लाइन मेरे को नज़र भी नहीं आ रही है। अरे यार जल्दी पहुँच भाई, कैसी पावर्स है इसकी, क्या पावर्स होंगी इसके पास, कुछ करता भी होगा कि नहीं जीवन में ये, अभी तक फिनिश लाइन मेरे को नहीं दिखी है। ओके फाइनली अब जाके थोड़ी बहुत फिनिश लाइन दिखने लग गई है, उधर की साइड देखो गाइस कोने में। ओके चलो फाइनली इसी के साथ ओके नाइस, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया, बहुत ही ज़्यादा एपिक। अच्छा ठीक है फाइनली फिनिश लाइन वो रही। मैं तो इसकी रेस देख के पागल हो गया हूँ, गुस्सा आ रही है मेरे को, अरे बंद कर जा, जल्दी जा यार थोड़ा तेज़ दौड़। और इसी के साथ फाइनली ये यहाँ पर फिनिश लाइन के नीचे से, अबे नीचे से निकलना भाई, क्या कर रहा है, तो वैसी स्लो है तू, यहाँ पर नीचे से निकलता हुआ, नाइस, और रेस फिनिश। तो टाइम देख सकते हो तुम लोग, ऑलमोस्ट 3 मिनट ले लिए, 3 मिनट से थोड़ा सा 10-15 सेकेंड पहले भाई इसने कंप्लीट किया है इस रेस को। भाई तू क्यों रेस करने आ गया स्पीकर मैन भाई, क्या हो गया तुझे, जवाब दे। अरे यार मुझे लगा था कि मैं जीत जाऊंगा, पता नहीं क्या हुआ एंड टाइम पे, उधर चला गया मैं। ओए उधर चला गया, तू उधर जाने की वजह से नहीं हारा है, तू इतनी स्लो ही दौड़ रहा था। नहीं यार मैं गलती से इधर चला गया, शायद उसी वजह से हारा हूँ। ठीक है जो समझना है तू समझ, फाइनली ये रेस तू हार चुका है, आ जा फटाफट से घर पे। आ रहा हूँ मैं, अब आने में इसके कई जन्म लगेंगे और सीरियसली मैं अब पता नहीं कब तक आएगा ये, तब तक तुम लोग जाकर गए इस वीडियो को लाइक कर दो भाई, बहुत टाइम लगेगा इसके आने में, वेट करते हैं इसके आने का। और इसी के साथ फाइनली स्पीकर मैन अभी भी पता नहीं कितने किलोमीटर दूर है हमारे घर से। आ गया
फाइनली आ गया है। ओके बहुत ही बढ़िया। चलो भाई तो अभी फाइनली बारी आ चुकी है ये देखने की कि आज का विनर कौन है। तो देखो गाइस रेस काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रही, काफ़ी ज़्यादा कांटे की टक्कर रही है अगर स्पीकर मैन को छोड़ दिया जाए तो, इन दोनों के बीच में, टीवी मैन और कैमरा मैन के बीच में। बट यहाँ पर इन तीनों की रेस में बाजी मार ली है आज थर्ड पोजीशन पर हमारे स्पीकर मैन ने। क्या? हाँ भाई थर्ड पोजीशन पर। क्या बात है सच में? अबे तीन बंदे ही थे उसमें तू थर्ड है। अच्छा फिर भी ठीक है यार, फोर्थ तो नहीं आया। अरे फोर्थ तो आ भी नहीं सकता था भाई, तीन ही बंदे हैं क्योंकि यहाँ पर। तो उसी की तो बात कह रहा हूँ, फोर्थ नहीं आया मैं। हाँ हाँ फोर्थ नहीं आया, तू थर्ड आया। खुश? बिल्कुल। और अगर बात की जाए आज के विनर की यानी फर्स्ट पोजीशन की, तो फर्स्ट पोजीशन ग्रैब करने में कामयाब हुआ है हमारा टीवी मैन। कॉन्ग्रेचुलेशंस भाई टीवी मैन, तूने आज लिटरली में तबाही मचा दिया है। आज तूने साबित कर दिया है कि ओल्ड इज गोल्ड भाई, लिटरली में। मैं पहले इसका मजाक उड़ा रहा था कि देखो भाई उसका कैमरा मैन आजकल के जमाने का है, स्पीकर इसका आजकल के जमाने का है, लेकिन इसका टीवी पता नहीं कितने पुराने जमाने का। लेकिन देखो भाई क्या दमदार खतरनाक परफॉर्मेंस दी है, कैमरा मैन को जरा से कुछ सेकंड से बीट कर दिया है और सेकंड पोजीशन पर आया है अपना कैमरा मैन। सॉरी कैमरा मैन, लेकिन तूने भी काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी। थैंक यू फ्रैंकलिन। तो लीडर बोर्ड्स अगर तुम लोग देखना चाहते हो तो ये हैं लीडर बोर्ड्स, देख सकते हो तुम लोग। यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन पर हमारा टीवी मैन है जिसने लिए इतने सेकंड, सेकंड पोजीशन पर कैमरा मैन जिसने लिए इतने सेकंड, और थर्ड पोजीशन पर अपना स्पीकर मैन जिसने लिए इतने सेकंड। तो आई होप गाइस तुम लोगों को आज की वाली वीडियो बढ़िया लगी है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और एक और चीज़, हमारी मेंबरशिप ओपन है चैनल की, तो अगर तुम लोग ज्वाइन करना चाहते हो तो जाकर ज्वाइन करो, डेफिनेटली बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। Goodbye.